कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। सरयू एक्सप्रेस में महिला कांस्टेबल पर हमला करने के मुख्य आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया, जबकि उसके दोनों साथी भी पैर में गोली लगने से घायल हो गए। इस एनकाउंटर में SO पूरा कलंदर रतन शर्मा व दो सिपाही भी घायल बताए गए हैं। ये मुठभेड़ अयोध्या के थाना पूरा कलंदर के छतरी व पारा केल मार्ग पर हुई है। अयोध्या में सावन मेले के दौरान सरयू एक्सप्रेस में महिला मुख्य आरक्षी पर जानलेवा हमला हुआ था। इस हमले में अनीस व उसके दो साथी आजाद और विशंबर दयाल उर्फ लल्लू शामिल थे। दरअसल अनीस ने सरयू एक्सप्रेस में महिला कांस्टेबल से छेड़छाड़ की थी। इसका विरोध करने पर अनीस व उसके साथियों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया था। अयोध्या से पहले ट्रेन धीमी होने पर तीनों बदमाश ट्रेन से कूदकर फरार हो गए थे। स्पेशल DG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने जानकारी दी है कि मुख्य आरोपी अनीस को थाना पूरा कलंदर पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है, जबकि उसके दो साथियों को इनायत नगर से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। इस बारे में SSP ने यह जानकारी दी। दिनांक 29-30 की रात में सरयू एक्सप्रेस ट्रेन में एक महिला हेड कांस्टेबल को इंजर्ड करने का प्रकरण हुआ था, जिसमें थाना क्षेत्र अयोध्या कैंट GRP में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। अंतर्गत धारा 332, 307, 354 ख में दर्ज किया गया था। दौरान विवेचना इसमें धारा 394 की प्रगति हुई थी। इसी क्रम में STF की टीम्स लगी हुई थी, जिला पुलिस के साथ कई सूचनाएं साझा हो रही थी। इसी क्रम में कई टेक्निकल और मैनुअल इनपुट्स के हिसाब से STF की टीम ने जो विक्टिम थी उनको एक फ़ोटो की पहचान करवाई थी, जिसके बेसिस पे फर्दर डेवलप करते हुए अयोध्या पुलिस के साथ उन्होंने सूचना साझा की थी। इसी क्रम में आज एक सूचना में अयोध्या पुलिस की टीम और STF की टीम ने थाना क्षेत्र इनायत नगर में एक जगह पर रेड करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया था, जिसके क्रम में अभियुक्तों के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में पुलिस टीम दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पाई, जो कि मौके पर इंजर्ड हो गए थे। एक अभियुक्त मौके से फायरिंग करते हुए भाग गया था। उस उक्त अभियुक्त के लिए कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें STF और पुलिस की टीम लगातार लगी रही। उस उक्त अभियुक्त को थाना पूरा के अलंदर क्षेत्र में दोबारा पुलिस के द्वारा चिन्हित किया गया, उसको आत्मसमर्पण के लिए कहा गया, जिसके क्रम में उसके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई, जिसके उसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा फायरिंग में उक्त अभियुक्त को गोली लगी थी, जिनको इलाज के लिए तत्काल जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल इलाज के दौरान एक अभियुक्त अनीश खान सन ऑफ रियाज खान रहने वाला जो हैदरगंज थाना क्षेत्र का है उसकी मृत्यु हो गई है। दो अभियुक्त आजाद सन ऑफ मुख्तार जो कि हैदरगंज का रहने वाला है और विशंबर दयाल सन ऑफ प्रेम नारायण जो कि कूड़ेभार सुल्तानपुर का रहने वाला है, ये दोनों इंजर्ड हैं, अंडर ट्रीटमेंट है। बाकी जो भी डिटेल्स होंगी उससे आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। STF और जिला पुलिस की टीम दोनों यहाँ पे लगे हुए हैं और डॉक्टर से बेहतरी इलाज का किया जा रहा है। जैसे प्रगति होती है आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा, ठीक है जी। घटना में हमारे एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है, जिसका इलाज चल रहा है और उसको हम बेहतर मेडिकल सुविधा, सभी को सबसे अच्छी बेहतर मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FirstByte.tv।